तो एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज हमारे बीच में है ये रिट्स 2009 मॉडल। और ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक था उस टाइम पे। ये इसकी कुछ हेडलैम्प्स थे जो कि हेलोजन प्रोवाइड करती थी कंपनी, और ये कुछ ऐसा इंडिकेटर था इसका, फॉग लैम्प इसके यहाँ पोजीशनिंग थी, प्लस ऐसी कुछ ग्रिल ऑफर करती थी कंपनी उस टाइम पे। और ऑल ओवर लुक ऐसा था। इसमें इसका जो वेरिएंट था वो ज़्यादातर डीजल वेरिएंट बहुत बिका था इस गाड़ी का, क्योंकि डीजल में बहुत अच्छी ये माइलेज प्रोवाइड कर देती थी। 15 इंच के इसके अंदर स्टील रिम देती थी कंपनी उस टाइम के अंदर, और जो कि एक अच्छा व्हील साइज़ था इस गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि हैचबैक मॉडल था इसका। इसके जो फेंडर पे इसका इंडिकेटर प्रोवाइड होता था हेलोजन में नॉर्मल, और इसके जो ORVM है उसमें इंडिकेटर नहीं था, ना ही ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थे, बट अंदर से ये स्टिक दे रखी थी इसको एडजस्ट करने की, जो एक अच्छा था कि भाई आपको बार बार शीशा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ इसका हैंडल था उस टाइम पे, कोई सेंटर लॉकिंग कंपनी से सेंटर लॉकिंग थी ना इसके अंदर, सेंटर लॉकिंग इसके अंदर थी कंपनी से, बट कोई रिक्वेस्ट सेंसर उस टाइम पे नहीं देती थी। और ऐसा कुछ साइड लुक था इस गाड़ी का। बैक से लुक इसका ऐसा था, उस ये VXI वेरिएंट है, बीच में इसका ये जो ब्लैक लुक है वो काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड करता है गाड़ी के वो। और प्लस इसकी जो टेल लाइट है वो थोड़ा शार्क ही डिज़ाइन है, जैसे मराजो आती थी महिंद्रा की, उसमें भी ऐसी टेल लाइट ऑफर करी गई थी। तो इसका ये इंडिकेटर है बैक लाइट और रिवर्स गियर का, और ये इसकी कुछ ऐसी लुक है पीछे से, रिफ्लेक्टर इसके अंदर प्रोवाइड थे, और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ था, एक छोटा सा डेडिकेटेड सा स्पॉइलर है, जिसको स्पॉइलर कह लो या फिर आप बॉडी का ही पार्ट कह लो, बट ये इसके अंदर ऐसी स्पॉइलर इंटीग्रेशन थी इसकी। और इसकी बूट स्पेस कुछ ऐसी थी, एक बार आके इसे अच्छा की से खुल जाएगी, की से ही था खुलने का ऑप्शन इसका, और ऐसी कुछ इसकी बूट स्पेस है, कवर पड़ा है, बट एक अच्छी खासा अमाउंट में लगेज आ जाता है इसका। बाकी एज एसेसरी स्पीकर लगे हुए हैं इसके अंदर। और अब इसकी अंदर का लुक देते हैं, डेडिकेटेड हैंडल भी है गाड़ी का बूट बंद करने के लिए। अब अंदर से चेक करते हैं कि इसके अंदर से लुक कैसा है। अंदर से इसका लुक ऐसा है, सबसे अच्छी बात थी कि डुअल टोन में इसका फैब्रिक प्रोवाइड कर रही थी कंपनी उस टाइम पे, और यहाँ पे फैब्रिक वर्क है। ये इसका प्रॉपर आर्मरेस्ट वाला एरिया है, चारों पावर विंडो मिलती थी, ऑटो डाउन अप और डाउन आपको पावर विंडो मिल जाती ड्राइवर साइड, बाकी सेंटर लॉकिंग का बटन और चाइल्ड सेफ्टी पावर विंडो। 1 लीटर की पानी की बॉटल इसके अंदर यहाँ आ जाती है, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में एक स्पीकर मिल जाता है आपको, जो कंपनी से ही स्पीकर इसके अंदर प्रोवाइडेड थे। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड है, जिसके अंदर आपको स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा मिलता है विदाउट अपना स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, और इसके अंदर जो मीटर है वो ऐसे प्रोवाइड होता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको टैकोमीटर और साथ में RPM मीटर दोनों मिल जाते हैं, जो कि इस टाइम पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। साथ ही साथ इसके अंदर 200 की टॉप स्पीड की मार्किंग है, और ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड का लुक है। जो स्टीरियो है वो भी आफ्टर मार्केट ही है, मैनुअल इसके अंदर AC मिलता था, और 5-speed मैनुअल के साथ, पेट्रोल गाड़ी है ये, डीजल नहीं है। साथ में इसके अंदर जो सनवाइज़र है उसके अंदर ये भी एक अच्छा पॉजिटिव फीचर है कि आपको मिरर मिल जाता है आपके लिए। लैंप इसका कुछ ऐसा है, और साथ ही साथ दूसरा में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है और कुछ नहीं मिलता आपको। प्लस इसका AC भी मैंने रिव्यू देखा है कि काफ़ी अच्छा इसका AC का इम्पैक्ट है गाड़ी के अंदर, और साइड सीट आपको ऐसे कुछ मिल जाती है, ये भी सीट कवर एसेसरीज़ का पार्ट है। वैसे फैब्रिक कंपनी देती थी इसके अंदर, बट वैसे इसके ऊपर सीट कवर चढ़े हुए हैं, और मैनुअल इसके अंदर हैंड ब्रेक मिलती है आपको। और अब इसका देखते हैं कि पीछे की स्पेस इसकी कैसी है, और बाकी कितना चल चुकी है ये भी देखते हैं। 70,000 किलोमीटर ये क्लॉक करने वाली है, और इसका ओनर से यही पता चला हमें कि अभी तक इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इंजन रिलेटेड भी। तो ये वही बात है कि आपको एक मारुति की गाड़ी लेके आप टेंशन फ्री रह सकते हो। पीछे का डोर इसका ऐसा था कुछ, पीछे में प्रॉपर फैब्रिक वर्क दे रखा है कंपनी ने, साथ में पावर विंडो डेडिकेटेडली पीछे भी मिलती है, जो एक अच्छा आपको फीचर मिल जाता है। डोर का अनलॉक आपको यहाँ मिल जाता है, और प्लस स्पीकर ग्रिल भी यहाँ पर मिल जाती है, तो आपको ट्रे लगाने की पीछे ऐसा ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ इसका लेग स्पेस है और सीटिंग स्पेस है। सबसे अच्छी बात, दो डेडिकेटेड हेडरेस्ट दे रखे हैं एडजस्टेबल दोनों के दोनों पीछे से, तो ये भी एक अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात उस टाइम पे 2009 के हिसाब से इसके अंदर जो दोनों सीटें हैं वो 60-40 के स्प्लिट में आती है। अगर आपको सिर्फ एक ही सीट करनी है टैकल, तो आप एक ही आगे कर सकते हो, आप लगेज भी रख सकते हो और उधर कोई बैठ भी सकता है, तो ये एक अच्छा फीचर है 2009 के हिसाब से। बाकी लेग स्पेस इसके अंदर बहुत अच्छी है, और आप हेडरेस्ट से देख सकते हो कि ऊपर जो रूफ़ की जो स्पेस है उसमें इतना है कि आपको अच्छा एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम मिल जाएगा आपको इस गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ इसका लुक है डैशबोर्ड का पीछे से। और ये थी 2009 रिट्स VXI वेरिएंट, जो कि एक
अच्छी गाड़ी है अपने टाइम की, प्लस इसके अंदर जो ये ज़्यादा बिकी है उस टाइम पे वो अपने डीजल वेरिएंट में बिकी है। और जो इसका इंजन था अंडर द हुड वो एक बहुत ही पैपी इंजन था उस टाइम के हिसाब से, 1200 cc फोर सिलेंडर इंजन, इसको फोर वैल्व इंजन भी बोला करते थे, 33 bhp और 114 nm का टॉर्क प्रोवाइड करता था गाड़ी के अंदर। और ये इसका जो इंजन है 1200 cc का वो काफ़ी अच्छा है, और ओनर के हिसाब से इसके अंदर 19-18 की माइलेज क्लेम होती है हाईवे के ऊपर, और सिटी के अंदर ये 14-15 की माइलेज दे देता है आराम से। डीजल में तो काफ़ी अच्छी माइलेज देता था ये, लोग इससे 23 की माइलेज तक निकाल लेते थे इस गाड़ी से डीजल के अंदर। 1200 cc 1300 cc का मारुति का वर्ल्ड फेमस इंजन आता था डीजल के अंदर, तो एक अच्छी माइलेज प्रोवाइड कर देता था उस हिसाब से, तो इसलिए ये बहुत बिकी थी डीजल के अंदर। बट टाइम के साथ मारुति ने इसको बंद कर दिया और इसका अपग्रेडेड वर्जन वैगन आर और उस पर ज़्यादा लोग ध्यान दिया, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा ख़रीदना प्रेफर कर रहे थे इससे ज़्यादा, क्योंकि टाइम के साथ मारुति ने इसकी शेप चेंज नहीं करी और इसी को साथ इसको बंद भी करना पड़ा। और ये था हमारा इस गाड़ी का क्विक वॉक अराउंड कि ये गाड़ी कैसे दिखती थी उस टाइम पे, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आते थे, क्या ये कस्टमर को अपने ओनर को क्या फीचर्स प्रोवाइड करती थी, कैसे इंजन स्पेसिफिकेशंस थे इसके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही चैनल ग्रोथ होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।